पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हाल ही में अपने रत्न भंडार को लेकर चर्चा में आया है, जिसे 46 साल बाद खोला गया। बताया जा रहा है कि इस भंडार में 100 किलोग्राम से अधिक सोना और कीमती आभूषण पाए गए हैं। खजाने की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसे निकालने में 11 सदस्यों की एक कमेटी को 7 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। इस ऐतिहासिक मंदिर पर समय समय पर कई हमले हुए हैं, जिनमें से एक मुगल सम्राट औरंगजेब का आदेश भी शामिल है। कहा जाता है कि 1686 में औरंगजेब ने कटक के सूबेदार नासर खान को मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। नासर खान ने पुरी की ओर कूच किया, लेकिन भगवान जगन्नाथ के आक्रोश के चलते वह मंदिर नहीं तोड़ पाया। यह माना गया कि आसमान से गिरी बिजली ने उसकी सेना के कई हाथी घोड़ों को मार डाला, जिसे नासर खान ने भगवान का प्रकोप माना और मंदिर तोड़ने की योजना त्याग दी। 1691 में औरंगजेब ने एक बार फिर मंदिर पर हमला करने का आदेश दिया, जो विक्रम खान और मस्तराम खान ने अंजाम दिया। मंदिर का सारा खजाना लूट लिया गया और मंदिर में स्थापित असली मूर्तियों को गुप्त रूप से बिमला मंदिर में छुपा दिया गया। हालांकि मंदिर के प्रबंधक गजपति दिव्य सिंह देव ने नकली मूर्तियां विक्रम खान को सौंप दी, जिससे औरंगजेब संतुष्ट नहीं हुआ। मंदिर पर लगे प्रतिबंधों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई और त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन एक दशक से अधिक समय बाद औरंगजेब को एक सपना आया, जिसमें उसने अपने ईश्वर का दर्शन किया। ईश्वर ने उसे रथ यात्रा पर लगी पाबंदी हटाने के लिए कहा। इसके बाद उड़ीसा के गर्वना मुर्शिद कुली खान ने 1703 में रथ यात्रा पर लगी पाबंदी को हटा दिया। उस साल गजपति दिव्य सिंह देव ने नए रथ बनवाए और मंदिर में फिर से उत्सवों का आयोजन शुरू हुआ। इस तरह जगन्नाथ मंदिर ने समय समय पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी अद्वितीयता और भक्तों की श्रद्धा आज भी उसे विशेष बनाती है। इस मंदिर का इतिहास रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों से भरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।